Hi friends, welcome back to my channel. So today it's day 3 of our vocabulary series. और आज फिर से हम लोग 15 नई vocabulary सीखेंगे. So without any further delay, let's get started. तो फिर से as usual यहाँ पे 5 one word substitution होंगे, 5 idioms and phrases होंगे और 5 हम लोग नए word देखेंगे. और last में आपका एक छोटा सा quiz होगा. तो I hope जो पुराना content था वो आपने अच्छे से revise कर लिया है ताकि आप quiz अच्छे से दे पाएँ आगे. तो सबसे पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम लोग शुरू करते हैं. तो फर्स्ट है यहाँ पे टू कंट्रीज़ और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, तो उनको बोलते हैं कि कंटिगुअस हैं. अब जैसे यूपी के साथ आप देखते हैं कि बिहार बॉर्डर शेयर करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिगुअस है यूपी से. फिर सेकेंड है परसुएड बाई फ्लैटरी, मतलब किसी को मक्खन लगाना, किसी को मनाना, मतलब कोई अपनी बात मनवाना मक्खन लगा के और बहुत फ्लैटरी करके, तो उसको बोलते हैं कैजुअल. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काजोल, ये वर्ड प्लीज़ आप याद रखिएगा. देन है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब ढेर सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं, उनका क्राउड, उनकी भीड़, उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं ऑब्वियसली, ये तो बहुत ईजी था. देन हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एम्बिगुअस, मतलब कि आप कोई वर्ड है अगर उसका मतलब अगर एक से ज़्यादा निकल रहा है तो कई बार आप समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ पर उस वर्ड का क्या मतलब निकलना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं कि एम्बिगुअस है सेंटेंस, मतलब अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है बात वहाँ पर. फिर लास्ट है टू फॉर्मली गिव अप, मतलब एब्डिकेशन, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एब्डिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़, कोई लत छोड़ देना, कोई आदत पूरी तरीके से कम्प्लीटली गिव अप कर देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन. तो ये हो गया 5 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. नाउ कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट, तो फिर से वही ट्रिक है कि आप पहले इडियम जो भी है उसका मतलब समझिए, उसको थोड़ा सा रिलेट करिए, फिर मीनिंग पढ़ के याद करिए. तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे फेयर एंड स्क्वायर. अब देखिए फेयर मतलब क्या होता है, बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, जैसे बहुत सारी बार बोलते हैं फेयर हैंड राइटिंग है आपकी बहुत ज़्यादा, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, बहुत ऑनेस्ट होगी तो उसको बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर, यानी इन एन ऑनेस्ट वे. देन सेकेंड है क्रोकोडाइल टीयर्स, ये बहुत ईजी है ऑब्वियसली. क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू, मतलब किसी बात का आपको दुख नहीं है लेकिन फिर भी आप जता रहे हैं कि आपको दुख है, तो उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ. देन लास्ट है ब्रीथ वंस लास्ट, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब कि अब अपने आखिरी समय में सांस ले रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हो गया, मतलब मरने वाले हैं ऑब्वियसली, मतलब मर गए हैं, टू पास अवे टू डाई, इसका मतलब हो जाएगा. फिर है बी इन द ड्राइविंग सीट, अब देखिए जो ड्राइवर होता है, जब कभी भी आप देखते हैं कार चल रही है अगर कोई सपोज, और उसमें कोई ड्राइवर बैठा है, तो उसमें जितने भी लोग बाकी लोग बैठे हुए हैं 5 या 6 लोग, उनकी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारी होती है वो उसी ड्राइवर के हाथ में होती है. अगर ड्राइवर थोड़ा सा भी रेकलेसली चलाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इन सारे लोगों की जान जो है खतरे में है. तो इसीलिए बोलते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, मतलब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सबकी, तो बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. देन लास्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, अब एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी. अब जैसे आपने एक्स चलाई किसी बात के लिए, तो मतलब आप खुद से एक्स, देखिए जो एक्स वर्ड एक्चुअली होता है ना, ये जब जब आएगा इडियम्स में कहीं पे भी आएगा तो हमेशा ये दुश्मनी को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात आप याद रखिएगा. तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो गया समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, मतलब अभी भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद अपने लिए कुछ कर रहे हैं, किसी और का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, बस अपने लिए कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड. तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ईडियम्स अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो थोड़ा सा फ़नी भी हो जाता है, और कुछ निमोनिक आप अगर बना के याद करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर हेल्प भी करता है आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए. नाउ न्यू वर्ड्स, यहाँ पे हम लोग 5 नए वर्ड सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट है यहाँ पे कैपिटलाइज, इसका मतलब होता है टू सप्लाई मनी टू अ बिजनेस. देखिए जब हम कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं या हम कोई कंपनी खड़ी करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पैसा हम लेते हैं, बाहर से लोन लेते हैं या अपने शेयर बेचते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, डिबेंचर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ पैसा हम खुद से भी लगाते हैं. जो हम, मान लीजिए मैं ओनर हूँ उसकी, तो मैं खुद पैसा अपना खुद का भी लगाऊंगी उसमें, तो उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज. मतलब अब जो ओनर है वो जब अपने ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उनको बोलते हैं कैपिटलाइज. ऑल राइट. देन सेकेंड है बिगेट, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस. देन थर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि किसी बात पर बहस करना, रेडी टू आर्ग्यू. देन फोर्थ है अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है कि जैसे दो लोग हैं साथ में कोई क्राइम कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला है वो पार्टनर इन क्राइम हो गया सेकंड का, मतलब अकम्प्लिस हो गया फर्स्ट का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अकम्प्लिस. देन लास्ट है एब्रेंट, एब्रेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल. देखिए एब्रेंट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए भी शुरू में आ रहा है तो इसकी मीनिंग में भी शुरू में ए भी आएगा. तो देखिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली रेगुलर रिविज़न से और बार बार इसी तरह थोड़ा बहुत ट्रिक बना के, कुछ भी फ़नी बना के, किसी से रिलेट करके, आप ऑब्वियसली इसको बहुत दिन तक याद रख सकते हैं,
और रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। तो ये हो गया आज का पूरा वो कैंप। नाउ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, आपका क्विज सेक्शन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और ये 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली पुराने वीडियो से लिए हुए हैं। अभी हम लोग 2 दिन की वो कैंप किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू रेफर इट। आप पहले जाके वो वीडियो देखिए और उसमें जितना भी डेटा है, कंटेंट है, वो आप याद करिए, उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आप अच्छे ट्रैक पे हैं, फिलहाल आपको याद हो रहा है सब कुछ। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप फिर से जाइए, उसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए। ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है वो एक्चुअली सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है कि आपकी वो क्या बहुत स्ट्रांग हो सके। और अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से, तो फिर आपको ये किसी तरह हेल्प नहीं करेगा। सिर्फ ये वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये खुद से मेहनत करके इसको याद करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका नोट करिए इसको, या फिर तुरंत याद करिए, कैसे भी करके याद करिए, लेकिन आपको ये याद करना है बस। तो मूविंग ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। मतलब जैसे हम लोग सिर्फ एक ही हाथ से लिख पाते हैं या एक ही हाथ से खाना, मतलब कोई भी काम हम लोग एक हाथ हम लोग का ज़्यादा डोमिनेंट होता है हर चीज़ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दोनों हाथ में इक्वली निपुण होते हैं, मतलब दोनों हाथ से वो इक्वली उतना ही काम कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। देन सेकेंड है कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी, इसका मतलब होता है सेल्फ मेड स्टोरी, ये एक ईडियम है। देन थर्ड है यहाँ पे बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं वो एक लाइन में जा रही हैं, बी लाइन, मतलब उसको बोलते हैं डायरेक्ट रूट, यानी कि सीधा रास्ता किसी चीज़ का। देन फोर्थ है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कवर्ड इन नेचर, यानी कोई डरपोक इंसान, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। और लास्ट है यहाँ पे कैलो। कैलो का मतलब होता है पर्सन विथ वेरी लिटिल और माइन्यूट एक्सपीरियंस, यानी जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता उनको बोलते हैं कैलो। तो 5 क्वेश्चन हो गए, आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, डू लेट मी नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी तरह 15 वोकैब करेंगे, और तब तक आप ये day 3 तक, यानी कि 45 वर्ड्स, idioms एंड 1 वर्ड, ये अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में फिर से आपका क्विज होगा। थैंक यू सो मच।